हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम करंट का टॉपिक लेकर आए हैं वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से रिलेटेड लेकर आए हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स। इसके बारे में हम जानेंगे कि पहली बात तो ये मिशन कौन सा था, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मंगल ग्रह पे क्या आविष्कार हमें मिले, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर और मार्स आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। चर्चा में क्यों है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये हम जान लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जैसे कि नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी या स्पेस एजेंसी कौन सी है, नासा है, कि रोवर ने मंगल ग्रह पे यानी कि मार्स पर मार्शियन क्रेटर में कार्बनिक यौगिकों के साक्ष्य खोज किए गए। मतलब नासा ने मंगल ग्रह पे एक मिशन लॉन्च किया था जिसमें उनका लैंड भी किया क्रेटर ने, और उन्होंने ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ पाए गए थे वहां पे। ये लाल ग्रह पर किसी वक्त जीवन के मौजूद होने के संकेत हैं। ये दिखलाता है कि लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी नाम दिया गया क्योंकि इसकी मिट्टी लाल प्रकार की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा गया, ठीक है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलने से उन्होंने ये जताया नासा के साइंटिस्ट ने कि भाई इस पे किसी टाइम में जीवन भी हो सकता है मंगल ग्रह पे। कार्बनिक पदार्थ क्या है या कार्बनिक यौगिक क्या है, ये मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं। इनके साथ साथ इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं सल्फर जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनके अंदर आपके कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन भी मिलते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड है। क्यों इनको क्यों बोला जा रहा है कि प्रमुख निर्माण खंड है जीवन पे जिंदगी का, क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की बात करें जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, वो किसके बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें एलिमेंट्स कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ अन्य जैव अणुओं का आधार बनते हैं। इनका उत्पादन गैर जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग, ज्वालामुखीय गतिविधि, उल्कापिंड प्रभाव, बिजली किरणें और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कितना बड़ा एसेंशियल रोल है हमारी लाइफ में, इनके बिना हमारा जीवन सक्षम नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना, क्योंकि हमारे जीवन में जो लाइफ हमें प्रोटीन, जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी शरीर का है वो कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। अब मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से संबंधित कुछ प्रमुख निष्कर्ष थे, क्या उन्होंने फीचर्स निकाले। उनका कहना था कि पहले के जो मिशन रहे हैं स्पेस से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड यानी कि मंगल ग्रह से, उल्का पिंड एवं गेल क्रेटर में मंगल ग्रह की उत्पत्ति वाले कार्बनिक रसायनों की पहचान कर ली थी। उन्होंने जब अपना लॉन्च किया, सैटेलाइट स्पेस में भेजा मार्स मिशन को, मार्स मिशन उसका नाम रखा गया क्योंकि उसने गेल क्रेटर ने मार्स पे कार्बनिक पदार्थ का पता लगाया था, ठीक है। परसिवेरेंस रोवर के माध्यम से नवीनतम शोध में एक नया उपकरण आया, ठीक है, नया उपकरण या फिर न्यू टेक्निक या न्यू टूल कह लीजिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो नई टूल क्या थी, शेरलॉक। उस टूल को शेरलॉक कहा गया, यानी कि स्कैनिंग हैबिटेबल इन्वायरमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनिसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स, इसलिए इसको शॉर्ट में शेरलॉक कहा गया। ये एक उपकरण था यानी कि इंस्ट्रूमेंट थी, टेक्नोलॉजी थी नई साइंस की, जिसने प्रस्तुत किया कि मंगल ग्रह पे, मार्स पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायनों का पता लगाने में सहायता करता है। तो शेरलॉक की टेक्निक से नासा ने मार्स पे पता लगाया, जांच की कि भाई यस, मार्स पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो किसी टाइम में मार्स पे भी जीवन
हो सकता है। ठीक है, मंगल ग्रह के पास अधिक जटिल कार्बनिक भू रासायनिक चक्र यानी कि जियोकेमिकल साइकिल भी होगी। उन्होंने ये भी जताया कि भाई इसके साथ साथ अगर हमें कार्बनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो वहां पे कोई साइकिल टेक प्लेस ले रही होगी। ठीक है, जियोकेमिकल साइकिल जिससे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनसे वो कंपाउंड्स वहां पे प्रेजेंट हैं। इस ग्रह पर काल्पनिक अणुओं के कई भंडार के विद्यमान होने की संभावना प्रस्तावित की गई, जिससे संभावना बढ़ गई कि यह ग्रह जीवन को समर्थन कर सकता है। क्योंकि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एलिमेंट्स, और वो भी सबसे मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और वो सारे एलिमेंट्स जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो सारे अवेलेबल थे मार्स पे। ठीक है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई जीवन को सपोर्ट करता है लाइफ को कौन? मार्स ग्रह। अध्ययन में जलीय प्रक्रियाओं से जुड़े अणु भी, एलिमेंट भी पाए गए वाटर से रिलेटेड। अब वाटर से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स मिले गए? कि दर्शाता है कि जल ने मंगल पर विद्यमान कार्बनिक पदार्थ की श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उन्होंने बोला वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स भी हमें पाए गए यानी कि H2O। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। ठीक है, जब वाटर जैसे एलिमेंट भी उनको वहां पे मिले तो उन्होंने एक शंका जताई साइंटिस्ट ने कि भाई ये जो कार्बनिक पदार्थ पैदा हो रहे हैं इसमें जल का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लाइफ वहां पे मिल सकती है। किस पे? मंगल ग्रह पे यानी कि मार्स पे। तो जब हम मार्स की बात कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि भाई लाइफ हो सकती है। और किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं? बेसिस है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, जिसे मैं OC मेंशन कर रही हूं। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं जीवन का। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये। ऑफ लाइफ, ठीक है। वहीं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मेशन यानी कि जब लिपिड्स बनते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन या इनसे बनते हैं। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया। और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कितना ज़रूरी है हम जैसे इंसानों के लिए, जीने के लिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। अब परसिवेरेंस रोवर क्या था? ना एक ही कार के एक साइज का था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लैंड पे आपने देखा होगा, अर्थ पे जो कार्स होती हैं, कार का साइज नैनो से लेके मर्सिडीज तक साइज है। तो ये भी एक मीडियम कार साइज का था परसिवेरेंस रोवर, एक कार आकार का था जो मार्स रोवर है। ठीक है, जिसे नासा के मार्स 2020 मिशन के हिस्से के रूप में मंगल पर जेजेरो क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। परसिवेरेंस रोवर क्या है? इसको एक कार शेप का बनाया गया जिससे ये मंगल ग्रह पे चलेगा धीरे धीरे। पहिए होंगे तभी चल पाएगा। ठीक है, अपने आप तो वहां जाके नहीं चल पाएगा, ये तो उड़ जाएगा, इसीलिए उस पर चलने के लिए इन्होंने इस पर पहिए लगाए, एक कार का आकार दिया नासा ने, जिससे उन्होंने मार्स 2020 का एक मिशन रखा जिसमें उन्होंने किसको ढूंढने के लिए भेजा? अपने जेजेरो क्रेटर को। ठीक है, जेजेरो क्रेटर का पता लगाने के लिए। इसका निर्माण जेट प्रपोर्शन प्रयोगशाला यानी कि किस लेबोरेटरी ने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर क्या है? जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी ने इसको बनाया। 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और ये 7 महीने की अपनी जर्नी कंप्लीट करके यात्रा के बाद ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर लैंड किया था। मतलब ये 2020 में लॉन्च हुआ, 2021 में इसने मंगल ग्रह पर लैंड किया। पूरे 7 महीने की जर्नी इसने ली परसिवरेंस रोवर ने। 30 जुलाई को इन्होंने लॉन्च किया था
तो देखिए इनको कितना टाइम लगा मार्स तक पहुंचने के लिए। इसीलिए जितने भी स्पेस मिशन होते हैं उनको पहले एक सही प्रोटोकॉल या प्रोसीजर्स होने चाहिए जिससे वो लॉन्च हो सक्सेसफुली। सक्सेसफुली लॉन्च होने के साथ साथ वो सही से ऑर्बिट पकड़ पाए, दूसरा इनका टारगेट रहता है, तीसरा सॉफ्ट लैंडिंग कि जो लैंडिंग है वो भी अच्छे से हो पाए। जैसे अब हमारा चंद्रयान 3 भी जो कि आज 23 अगस्त को लैंड करने के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है, तो उसकी भी सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा मार्स मिशन के बारे में, या फिर हमने ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में जाना कि वो क्या होते हैं, किस चीज़ के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होते हैं और क्यों उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया, और किस वजह से मंगल ग्रह पे कहा कि जीवन हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे यानी कि मार्स पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जिस वजह से उसको बोला कि हाँ भाई मंगल ग्रह पे भी जीवन हो सकता है एक समय पे। वाटर की भी वहाँ आशंका दिखाई गई कि इसका मतलब पानी से ही, जल से ही ये अणु बने होंगे जिससे इनका निर्माण हुआ होगा। तो आज के करंट टॉपिक था हमारा मार्स पे ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर एक नए करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।